कार्बी आंगलोंग एक ऐतिहासिक समझौता जो अभी अभी संपन्न हुआ 4 सितंबर 2021, ये दिन आसाम और कार्बी क्षेत्र के इतिहास में सुवर्णमय अक्षरों के साथ निश्चित रूप से लिखा जाएगा, क्योंकि आज 5 से अधिक संगठनों के लगभग 1000 कैडर ने हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आने की शुरुआत करी है और उनके पुनर्वासन के लिए असम सरकार और भारत सरकार पूर्णतया कटिबद्ध है। और ये नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है, जो हथियार छोड़कर आता है उसके साथ आने वाले से भी ज्यादा विनम्रता से बातचीत कर जो वो मांगते हैं उससे भी ज्यादा देकर उनको विकास की मुख्य धारा में समाहित करना। और यही नीति का परिणाम है कि एक के बाद एक के बाद एक सभी जो पुरानी समस्याएं नरेंद्र मोदी सरकार को वारसा में मिली थी उसको हम समाप्त करते जा रहे हैं। मंत्रिमंडल को COVID-19 की जो वर्तमान स्थिति है उसकी प्रेजेंटेशन भी दी गई और कंपैरेटिवली पिछले समय से जो है वो अब प्रदेश की जो है वो कोविड के मामले में स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी नंबर जो है वो कम नहीं हुआ है बहुत ज़्यादा। इसलिए जो वर्तमान रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लागू रहेंगी और स्कूल जो हैं वो 10 दिन अभी और बंद रहेंगे। अगले मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर जो है वो निर्णय लिया जाएगा सारी सिचुएशन को असेस करने के बाद। बेहतरीन परेड जो बहुत ही शानदार ढंग से प्रस्तुत की गई, उसकी पीछे उनकी बढ़िया ट्रेनिंग है, इसलिए अच्छी ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए सभी ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स एवं PTC के स्टाफ भी बधाई के पात्र हैं। आज आपने जिस परेड को देखा उस पासिंग आउट परेड में पास आउट होने वाले ट्रेनीज जो 312 हैं उनको और उनके फैमिली मेंबर्स को
मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। सर, देश के लिए आप ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? आज मैंने कंट्री के लिए दो मेडल जीता ओलंपिक्स के अंदर, तो मैं काफ़ी खुश हूँ और मुझे बहुत खुश हो रही है। इसमें मेरा सबसे बड़ा योगदान मेरे को साहब श्री मावी सैनी जी का रहा है। संस्कृत में एक सुभाषित है, आमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम, अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभः। अर्थात ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसके प्रयोग से सार्थक कथन अथवा मंत्र की रचना ना हो सके। ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसका उपयोग औषधि के रूप में ना हो सके। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें योग्यता ना हो, लेकिन इन सब का संयोजन करने वाले व्यक्ति ही दुर्लभ होते हैं। किसी भी समाज में निहित प्रतिभा के संयोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी शिक्षकों की ही होती है। मैं सभी पुरस्कृत शिक्षकों को बधाई देता हूं तथा उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। पैरालंपिक में भारत की टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और आज हम सबके लिए एक नई खुशखबरी आई है कि जिलाधिकारी नोएडा जो इस पैरालंपिक में भाग ले रहे हैं, उन्होंने आज पैरालंपिक में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। मैं श्री सुभाष एलवाई को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं।
मुझे प्रसन्नता है कि अपने प्रशासनिक दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने के साथ ही उन्होंने पैरालंपिक में भी बड़ी सफलता प्राप्त की है। इससे पहले भी वो कई मेडल प्राप्त कर चुके हैं। आज ये भारतीय टीम के लिए एक नई उपलब्धि उन्होंने जोड़ी है, मैं इसके लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार सर, जी बहुत बहुत बधाई आपको, आपका अभिनंदन सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर। देश का नाम बढ़ाया, कर्नाटक उत्तर प्रदेश दोनों का गौरव दिलाया, देश को गौरव दिला दिया। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। आपकी बेटी का कौन है गुजरात का अफसर? सर गुजरात में रेमिया मोहन है सर, और यस सर, तो उनकी बैच है, और हमारे बैच के लोग और पूरे सर्विस के लोग और उत्तर प्रदेश कर्नाटक दोनों के लोग सर बहुत ज़्यादा विशेष दिए थे सर। और आप सर बताए थे जब हम लोगों को सर संबोधन किए थे, आपने सर बताया था कि सामने कौन है ये मत देखिएगा, आप अपना बेस्ट दीजिएगा, तो सर उसी का ये सर वही उसको मन में भी रखे थे, प्लस सर माइंड बहुत प्रिपेयर करके आए थे सर। और जब बचपन में सर सोचते नहीं थे कि कभी, जब हम एक छोटा सा शहर है सर शिमोगा, वहाँ का मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ जब हम छोटे थे तो कभी सोचते नहीं थे कभी ज़िंदगी में IAS बनेंगे या कलेक्टर बनेंगे या सर यहाँ पे पैरालंपिक में मेडल मिलेगा। सर ऊपर वाले की बहुत कृपा रही है सर, और आपका आशीर्वाद रहा सर कि मैं यहाँ तक आया हूँ, तो कभी सोचता नहीं था सर। इनफैक्ट पहले तो सोचता था सर कि मैं दिव्यांग बन गया तो ऊपर वाले ने मुझे क्या ऐसे किया है, तो मैं कभी कभी सोचता था भगवान को, बट भगवान ने सर आज आपके साथ बात करने का मौका दिया, मैं बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ सर, बहुत ज्यादा खुशी सर। आपने आपने जो शारीरिक कमी थी उसको भी शक्ति में परिवर्तित कर दिया, और उसी का परिणाम है कि आज देश का प्रधानमंत्री भी आपको फोन करने के लिए लालायित होता है। ये आपका अपना पराक्रम है, आपका कॉन्फिडेंस है, और दूसरा दुनिया का नियम है जो बहुत सोच करके प्लानिंग करके मैं ये बनूंगा मैं वो करूंगा इसी दिमाग को लेके जाते हैं, उनसे अधिकतर लोग रह जाते हैं सर, लेकिन जो बिल्कुल करते रहते हैं वो कहीं पहुंच जाते हैं सर। आपने करके दिखाया है, मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई है सर, आपका इंतजार कर रहा है सर। और आपने सर एक बात कही थी जब हम लोग सर जकार्ता में, मुझे ब्रॉन्ज मिली थी सर एशियन पैरा गेम्स में, हम लोगों को आपने बुलाया था, तो सर आपने एक बात कही थी हमें जब संबोधन किए थे, आपने कहा था तो आपने ऑलरेडी जिंदगी में आप जीत लिए तो ये तो आप जीत ही लोगे, वो सर हमेशा मुझे याद रहती है कि जब आपने इतनी इंस्पायरिंग वर्ड्स कही थी सर, तो आज मुझे विश्वास नहीं हो रहा है सर कि मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है सर कि बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। देखिए आप तो मेरे कली है, देश का सरकार से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति मेरा कली है सर, कली के नाते में तो आपसे बात कर रहा हूँ सर, ये आपके बड़प्पन है सर। बहुत सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, नमस्कार सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, नमस्ते सर। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।